हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्पिरिचुअल लीडर, लाइफस्टाइल कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर श्री गौर गोपाल दास जी के बारे में, जिनके सेमिनार में डीप नॉलेज के साथ ह्यूमर भी होता है। दोस्तों, गौर गोपाल दास जी का जन्म 21 दिसंबर 1973 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी की मेडोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब थी, वह वहाँ हाउस वाइफ थी। गौर गोपाल दास ने अपनी स्कूली एजुकेशन एसटी जुड़े हाई स्कूल देहू रोड पुणे से कंप्लीट की। फिर उन्होंने क्यूसरो वेडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से 1992 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। देन उसके बाद उन्होंने 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने 1995 में ही हॉलेट पैकार्ड यानी कि एचपी में एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन एक साल बाद 1996 में ही उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन करके राधानाथ स्वामी के सानिध्य में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस आइसकॉन को ज्वाइन कर लिया। अब अगर हम गौर गोपाल दास जी के बचपन की तरफ रुख करें तो द रणवीर शो के एक इंटरव्यू में गौर गोपाल दास बताते हैं कि वे बचपन से ही अपने घर के सबसे लाडले रहे हैं। इसका एक कारण यह भी था कि वे अपने घर के इकलौते बेटे थे, हालांकि उनकी एक छोटी बहन भी है। गौर गोपाल दास इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि मैं बचपन में इतना नखरे वाला था कि मैंने कभी भी घर में बना वह खाना नहीं खाया जो कि मेरी मर्जी के खिलाफ माँ बना देती थी। बेशक मैं अपनी जिद में पूरे पूरे दिन भूखा रह लेता था। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि वे बचपन से ही अपने क्लास के टॉपर रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे होने के अलावा वे अन्य स्कूली एक्टिविटीज जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स, डांस आदि प्रोग्राम्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। वे एक गायक व एक गिटारिस्ट भी थे। वे अक्सर अपने स्कूल व कॉलेज के हर बड़े प्रोग्राम में बड़े बड़े स्टेजेस में गिटार बजाकर गाना गाया करते थे व इसके लिए उन्हें कई लोगों से बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिलती थी। अगर हम संक्षिप्त में गौर गोपाल दास जी के बचपन के बारे में कहें तो वे बचपन से ही एक बड़े प्रतिभाशाली बच्चे थे, लेकिन परिवार के लाड़ प्यार की वजह से वे थोड़े जिद्दी बन गए थे। जब गौर गोपाल दास जी से इंटरव्यू में यह क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने बचपन में कभी ऐसा सोचा था कि आप ब्रह्मचर्य धारण करके एक सन्यासी की जिंदगी जिएंगे व लोगों को इस तरह से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर शिक्षित करेंगे, तब इसका जवाब देते हुए गौर गोपाल दास जी कहते, नहीं, मैंने बचपन में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं बड़ा होकर एक मॉन्क की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन हाँ, बचपन से मैं ये हमेशा सोचता था कि बड़े होकर मुझे ऐसा काम करना है जिससे कि मैं समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव डाल पाऊं। और वे आगे बताते हैं कि मेरे अंदर ऐसे पॉजिटिव विचार पैदा होने का एक मुख्य कारण मेरे आसपास का माहौल था जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ था। अपने आसपास के माहौल में के बारे में बात करते हुए और एक इंसिडेंस के बारे में शेयर करते हुए वह बताते हैं जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था, और वह इंसिडेंस यह था कि गौर गोपाल दास बहुत छोटी उम्र से इस चीज़ को नोटिस करते थे कि उनके पड़ोस में एक स्कूल टीचर रहते थे और हफ्ते में 5 दिन उनके यहाँ कॉलोनी के 12 से 15 बच्चे पढ़ने आते थे और ये काम सालों से चला आ रहा था। बड़े होने के बाद गौर गोपाल दास जी को ये बात पता चली कि कॉलोनी की वह स्कूल टीचर कॉलोनी के गरीब बच्चों को सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे थे ताकि मोहल्ले के गरीब बच्चे भी इंग्लिश सीख सकें। दूसरी चीज जो कि उन्हें बचपन में अपने कॉलोनी में देखी थी और जिसने उन्हें प्रभावित किया था वह यह थी कि उनके मोहल्ले में 15 से लेकर 25 साल के उम्र के लोगों का एक ग्रुप था और उन ग्रुप के लोगों के घरों में जब रोज उनकी माएँ खाना बनाती थी तो वे एक मुट्ठी चावल या गेहूं जो भी वे बनाती थी एक मटकी में अलग से रोज रख देती थी। वह फिर महीने में एक दिन उस ग्रुप के सारे लोग अपने अपने घरों से उस अनाज को इकट्ठा करके उससे भोजन बनाते व आसपास के इलाके में गरीब बच्चों, अनाथ लोगों व गरीब मजदूरों को भोजन कराते। और तीसरी चीज जिसने कि उन्हें बचपन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वो था उनके पिता का कर्म प्रधान बिहेवियर। उनके पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे, लेकिन वे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वह अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश किया करते थे ताकि इसके लिए वे अक्सर वीकेंड्स में या फिर छुट्टी के दिन ऑफिस जाते थे व रोज से ज़्यादा काम करते थे ताकि उनके इस काम से कहीं ना कहीं वह किसी न किसी इंसान को फ़ायदा मिल सके। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला बढ़ा इसलिए मैं बड़ा होकर ऐसे काम करना चाहता था जिससे कि समाज की भलाई हो सके व समाज में शांति व सकारात्मकता बढ़ सके। जब गौर गोपाल दास कॉलेज में थे तब उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे काम करूं जिससे कि समाज में मेरी तरफ से भी कुछ सहायता हो सके। तब इसके लिए उन्होंने 2 ऐसे गरीब बच्चों को ढूंढा जो कि फीस पे नहीं कर सकते थे लेकिन वे मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे।
तब गौर गोपाल दास ने उन दोनों 10th क्लास के बच्चों को साल के 365 दिन 2 घंटे डेली फ्री मैथ पढ़ाई और लास्ट में उन दोनों बच्चों ने मैथ में बहुत ही अच्छा किया। जब रिजल्ट आया तो बच्चों व उनके माता पिता के चेहरे पर गौर गोपाल दास के लिए एक सम्मान का भाव था तो इस तरह से पहली बार गौर गोपाल दास ने परस्वार्थ की मिठास का अनुभव किया। यूनिवर्सिटी के लगभग हर एक सेमेस्टर में टॉप करने के बाद फाइनल ईयर में उन्हें हॉलेट पैकार्ड यानी कि एचपी कंपनी के द्वारा जॉब ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने 1995 में ज्वाइन कर लिया। लेकिन एचपी में काम करते हुए उन्हें वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उन्हें अपनी लाइफ में कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उन्हें अंदर से यह फील होने लग गया कि यह वो काम नहीं था जिसे वह करना चाहते थे। यह एक ऐसा काम नहीं है जिसके द्वारा वे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाएंगे। अपने अंदर की इसी उलझन, इसी अशांति को खत्म करने के लिए उन्होंने 1996 में राधानाथ स्वामी के सानिध्य में आइस्कॉन चौपाटी मुंबई में ज्वाइन कर ली। द रणवीर शो के इंटरव्यू में गौर गोपाल दास बताते हैं कि जब मैं मोनेस्ट्री में गया तो शुरू शुरू में छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता हुआ लाला लड़का था। वो खाना हमेशा मेरी मर्जी और पसंद का ही बनता था, लेकिन आश्रम में मैं अपना खाना भी चूज नहीं कर सकता था। जो सबके लिए बनता था वही मुझे खाना पड़ता था और वहाँ पर अक्सर एक जैसा खाना रोज ही बनता था। लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ को समझा कि क्या मैं यहाँ लग्जरी लाइफ जीने आया हूँ, क्या मैं यहाँ रोज अलग अलग तरह का खाना खाने आया हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी और ध्यान की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। गौर गोपाल दास जी आगे बताते हैं कि जब मैं शुरू शुरू में मोनेस्ट्री में गया तो मेरे अंदर एक ईगो, एक गर्व का भाव था कि शायद इस आश्रम में मैं सबसे प्रतिभाशाली इंसान हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, मैं गायक भी था, गिटारिस्ट भी था, मैं कॉरपोरेट में भी सक्सेसफुल था। तो मेरे अंदर एक घमंड था। लेकिन जब मैंने देखा कि आश्रम में तो मुझसे भी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट लोग, मुझसे भी बड़ी कंपनीज में जिन्होंने काम कर रखा है, जिनमें से बहुत से तो अपने कॉलेज व यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, वहाँ रहते हैं। और मेरा सबसे बड़ा घमंड तब टूटा जब मैंने यह देखा कि आश्रम में 10 ऐसे संत भी थे जो आईआईटी मुंबई से पास आउट थे, वह जिन्हें वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज की तरफ से जॉब ऑफर की गई थी, वह अब उनके पास मुझसे ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। आश्रम में जाने के बाद मैंने ईगो छोड़कर ह्यूमैनिटी, विनम्रता सीखी, क्योंकि ईगो आपको बोलता है कि आपको सब कुछ आता है। लेकिन ह्यूमैनिटी, विनम्रता कहती है आपको ज्ञान तो है लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपको नहीं आता और अभी आपको सीखना है। फिर आश्रम में रहते हुए गौर गोपाल दास ने बहुत से धार्मिक ग्रंथ व मुख्य रूप से भक्तिवेत्ता श्री स्वामी प्रभुपाद की रचनाएं पढ़नी शुरू की। वो लगभग 10 साल तक आश्रम में स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के बाद उन्होंने लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज अपने टॉक्स के थ्रू, अपने सेमिनार्स के थ्रू देनी शुरू कर दी। उनके प्रवचन का मुख्य विषय सक्सेस, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप होता है। वे अपने प्रवचनों में लोगों को काफ़ी गहरी नॉलेज देते हुए यह सिखाते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन में एक बैलेंस व लाइफ से व लाइफ के पर्पस को पा सकते हैं। पिछले 15 साल में गौर गोपाल दास ने टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, फोर्ड्स, मैशिनोटोस, बैंक ऑफ अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि के एम्प्लॉयज़ को कॉरपोरेट सक्सेस के लिए ट्रेन किया है। 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गुरु गोपाल दास जी को अपने यहाँ पर बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस पर स्पीच देने के लिए इनवाइट किया था, जो कि एक गर्व की बात है। रोटरी एंड लायंस क्लब में गौर गोपाल दास जी का उनके टॉक्स के लिए आना जाना लगा ही रहता है। ही इज ऑल्सो गाइडेड टॉप रैंकिंग सेलिब्रिटी एंड कॉरपोरेट लीडर इन द वर्ल्ड। पिछले 15 सालों से यूके, अमेरिका एंड यूरोप में वैदिक कल्चर एंड कृष्णा कॉन्सियसनेस पर स्पीच डिलीवर करने के लिए उनका यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है। He was given 2016 Rotary International Super Achiever Award for contributing the field of spirituality and inspiration. गौर गोपाल दास जी को TEDx वालों ने भी कई बार अपने यहाँ पर स्पीच डिलीवर करने के लिए इनवाइट किया है। वे सालों से इंडिया एवं एब्रॉड की कई फेमस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज में स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, रिलेशनशिप एंड माइंड कंट्रोल पर लोगों को ट्रेन करने के लिए सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। ही वॉज अ स्पीकर एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इन 2017 हेल्ड एट चेन्नई। ही वॉज अ कीनोट स्पीकर एट 3rd इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन शिकागो हेल्ड इन जून 2017। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे सिंगल हैं। वह राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी आइस्कॉन मुंबई में एक ब्रह्मचारी की जिंदगी जीते हैं।
He was awarded Danveer Karan Award by KIIT University to recognize his selfless contribution to promote the ideologies of art of giving and compassion throughout the world. He was also given Ideal Youth Spiritual Guru Award 2018. आज के समय में गौर गोपाल दास राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में सबसे सीनियर ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें सबसे फेमस बुक्स है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। उनकी कुछ और बुक्स जिनके नाम हैं चेकमेट, रिवाइवल एंड कॉन्क्वेस्ट। तो ये थी प्रभु गौर गोपाल दास जी के अब तक के जीवन की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।